बार का जो चुनाव है वो मैं समझता हूँ कि वो चुनाव अंतर्राष्ट्रीय, जिसके ऊपर ध्यान है, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, कुछ इस उम्मीद से देख रहे हैं कि फिर से पूरे विश्व में शांति की, भाईचारे का, पूरे परिवार मानने वाले लोगों का फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कुछ इसलिए देख रहे हैं कि ये ना बने क्योंकि भारत को जो तोड़ने की शक्तियां हैं, जिनको भारत का ऊपर उठना अच्छा नहीं लगता, जो चीन की लॉबी हो या कुछ फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक वर्ल्ड हो, कुछ क्रिश्चियन वर्ल्ड हो, कुछ CIA के लोग हों, जो बढ़ते हुए भारत से चिंतित हैं। परंतु बढ़ता हुआ भारत सबके हित में है, यह बात हमने G20 के दौरान पूरे विश्व को दिखाई। और आज भी मोदी जी का एक टेलीफोन किसी भी देश में चला जाए तो, अभी आपने कल परसों ईरान से वो हमारे लोग छोड़े जो इसराइल के जहाज़ के कारण बंदी बनाए थे, इससे पहले ओमान में फांसी की सज़ा जिन लोगों को दे दी थी उन सबको बाइज्जत छोड़ा, यूक्रेन रूस में आपने देखा तिरंगा लेके निकलना गारंटी थी शांति की, दोनों ने दो दो घंटे का युद्ध विराम किया। ऐसे बढ़ता हुआ भारत, उसकी जो पोटेंशियल है, यदि मैं कहूँ वो अनलॉक होना शुरू हुआ है, भारत की जो क्षमताएं हैं, जो 1947 में चीज़ें होनी चाहिए थी उसके लिए लोग तैयार थे, देश को आज़ाद कराने वाले हमारे महापुरुषों ने जो सपने देखे थे वो 1946-47 से साकार होने प्रारंभ हो सकते थे। राम मंदिर का निर्माण के लिए 75 साल प्रतीक्षा क्यों हुई? सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर इससे भी ज़्यादा खराब पोजिशन में था, उसको तुरंत बनवा दिया था। तो ये सारी स्थिति हुई है जिसके अंदर सरकारें भी बदलती रही, सरकारें एक्सपेरिमेंट करती रही, कभी हम घोर समाजवादी बन गए, कभी हम कम्युनिस्ट विचारधारा को ले आए, और बीच में जब 1980s में थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ, 1990 में जब PV नरसिम्हा राव जी हैं, उन्होंने भारत के आर्थिक चिंतन में आमूलचूल परिवर्तन आया, और उसको परिवर्तन लाने में नरसिम्हा राव का नाम मैं सबसे आदर सहित ले रहा हूँ, मनमोहन सिंह का भी लेता हूँ। उसके कारण से जो स्थिति हम चीन की और हमारी 90 में बराबर थी, आज चीन हमसे 30 साल आगे है। क्यों? क्योंकि हमने सरकारों को ढंग से चलाया नहीं। हमारा दूसरा भी एक आया हुआ ना आजकल, 1 लाख रुपये हर बच्चे को, लड़की को, महिला को 1 लाख रुपये साल, कैलकुलेट करके कोई बताए मुझे कितना बनता है? भारत में 140 करोड़ में है, 20 करोड़ तो महिलाएं हैं जिनको 30 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, इसमें 30 करोड़ तो गृहिणी हो गई। 30 करोड़ लोगों को 1-1 लाख रुपये साल दें कितना हो गया? भारत का बजट सारा GDP दे दें तो नहीं भी हो सकता। तो ऐसे वायदे करने वाले करेंगे। मुझे तो केवल एक बात आपके माध्यम से कहनी है कि हमें पानी हरियाणा का हिस्से का दिला दें, जो हमारा हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश है जिसके लिए पूरा देश सहमत है, सतलुज यमुना कैनाल बनी पड़ी है, केवल उतना पानी दे दे जब इनके पास सरप्लस हो, जो पाकिस्तान में जा रहा है कम से कम पाकिस्तान हरियाणा को मिल जाए। तो ये तो मैं सुशील को आप सब वोट दे दें, मुझे कोई इतना नहीं, परंतु सुशील अकेला बन जाए 6 महीने बाद हरियाणा के चुनाव हो जाए, 90 सीटों पर वो लड़े, मुख्यमंत्री बनना तो लड़ना पड़ेगा उसे, तो 90 पे मान लो कांग्रेस भी लड़ेगी, तो यहाँ के भी बेचारे तो 9 MLA होंगे यहाँ, जिनमें से इनका तो कोई है नहीं, हमारे और कांग्रेस के हैं ना, उनको अपने भविष्य की चिंता होगी। एक मेवा सिंह जी है, वो भी 2-3 से कल इनडायरेक्ट बात हुई, उनको ये चिंता है कि मान लो किसी कारण से निकल जाएगा, और फिर अभय चौटाला, उसके लिए सुखबीर सिंह बादल, मैं तो बादल से कहता हूँ तुम्हारा तेरा अगर भाई है चौटाला पानी क्यों नहीं देते भाई? हमारा पानी तो भगवान का है ना, हम हिस्से का मांग रहे, छोटे भाई हैं, पंजाब हमारा सारा कॉमन था, और मेरा तो वो परिवार है जो पाकिस्तान वाले हिस्से से आया, पानी उस हिस्से में जा रहा हो, इस हिस्से में नहीं देंगे तो किस चीज़ का भाईचारा भाई? इस बेमेल गठबंधन पे आपका क्या कहना है? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, और ये 4 जून को रिजल्ट आएंगे, 15 जून तक ये एक दूसरे को गाली देंगे सारे, एक दूसरे से अलग हो गया।